हमारा किसान शहीद हो चुका है। हालात आज के दिन आज के वक्त में बहुत ज्यादा खराब है। कुछ काम कांग्रेस भी करके गई थी, दोनों के अपने अपने प्लस और माइनस पॉइंट है। ऐसा सोना राज करे जिससे टूटे प्राण, हम नहीं चाहती है। भाई मोदी जी, हम हाथ जोड़ते हैं, आप अपने घर को चले जाओ। ओ भाई साहब, खाने देखो भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो, खैरियत से होंगे। आज हम जाने वाले हैं सेंटेनरी गेट पे। स्पेशल गेस्ट पे मिलाना चाहता हूं जो पूरे हिंदुस्तान में पैदल यात्रा की है, वो आप लोग ही जानते होंगे, जो कांग्रेस के लीडर हैं राहुल गांधी, उनसे मिलने जा रहे हैं। आई वो सेंटेनरी गेट पे आ रहे हैं यात्रा के लिए। अभी भीड़ लग चुकी है, पुलिस भी वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए इधर उधर गाड़ियाँ लगा रखी है, इतने लोग भी नहीं है। मुझे किसी फ्रेंड ने कॉल करके बोला है कि भाई जल्दी आ जाओ, कि वो आने वाले हैं, जब आएंगे आपको दिखा देंगे आखिर कौन है। फिजिकली मिलवाना चाहते, पहले मोदी जी से मिलवाए थे लेकिन फिजिकली नहीं था, अब फिजिकली राहुल गांधी से मिलवाने जा रहे हैं। चलो चलते हैं भाइयों आगे की तरफ सेंटेनरी गेट में। जब भारत जोड़ो यात्रा का रिप्रेजेंट किया गया तो शुरू में मणिपुर से स्टार्ट हुआ था, और इसको इसलिए पार्टिसिपेट किया गया क्योंकि ये इंसाफ के साथ लड़ना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या करा कि भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की, मणिपुर से मुंबई तक 68,000 प्लस किलोमीटर यात्रा की, और उधर की तरफ जा रहे हैं सेंटेनरी गेट में। और वहाँ हमारे पीछे साहब भाई, अरे साहब भाई आप भी आ गए। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? सब बढ़िया, सब बढ़िया जनाब। व्लॉगिंग चल रही है क्या आपकी? अरे व्लॉगिंग चल रही है, आज सोचा कि भारत जोड़ो यात्रा हो रही है तो एक कंटेंट मिल जाता, तो इसके लिए हम व्लॉगिंग करना शुरू हो गए। चलिए बढ़िया, और मुलाकात हो जाएगी राहुल गांधी साहब से। हाँ, मुलाकात में रहेंगे, पता नहीं, कोशिश व्लॉगिंग भी हिट हो जाएगी। हाँ व्लॉगिंग तो हो जाएगी भाई, ये तो अच्छा है। चलो अच्छा हुआ हमारे साहब भाई भी आगे, वरना अकेला था मैं, कोई साथ में नहीं था ना, इसलिए अकेले में क्या करता। तो दोस्तों राहुल गांधी कांग्रेस के लीडर जमालपुर से आ रहे हैं और यहाँ से उनका यात्रा शुरू होगा, और हम उनके साथ चलेंगे और चलते चलते शमशाद मार्केट तक जाएंगे, वहाँ जाके उनकी स्पीच होगी और उनकी स्पीच भी सुनेंगे, और वहाँ चल के कुछ ना कुछ उनसे मुलाकात होगी। अगर रहा, भीड़ ज़्यादा रही तो मुश्किल है, लेकिन अगर कुछ ना कुछ हुआ हाथ भी मिला लेंगे, आप सबके सामने दिखा भी देंगे, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वहाँ भीड़ लगी हुई है, हम चलते हैं वहाँ पे, चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है। जो भारत जोड़ो यात्रा, नया यात्रा नए का हक मिलने तक लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे, अपने अपने बोर्ड लिए हुए हाथ में खड़े होकर वीडियो फोटो वगैरह बना रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसा वेलकम हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और अरे अली भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल, खैरियत? आप किस लिए आए अभी अभी? हैं राहुल गांधी को देखने आए हैं। अच्छा देखने आए, अभी तक तो आई नहीं है वो। अच्छा आ जाएंगे, तो क्या बोलोगे उनको, कुछ इच्छा है आपकी, कुछ कहने के है? अच्छा हाथ हिलाओगे, चलो राहुल गांधी आ ही जाएंगे। तो दोस्तों अभी वो जल्द ही आने वाले हैं और हमारा इंतजार अभी भी बाकी है, और यहाँ पे उनका स्वागत किया जा रहा है यहाँ पे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसे बचा के रखे, अपने बहुत शोर मचा रहा है, देखा जा रहा है उनके लकीरें, बुलडोजर और मतलब सीमेंटेड कंक्रीट की दीवारें खड़ी की जा रही हैं, नदियां खोदी जा रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, कई लोगों की तो आंखें चली गई हैं, पैर चला, मतलब एक तो हमारा किसान शहीद हो चुका है। हालात आज के दिन आज के वक्त में बहुत ज़्यादा खराब है, अंडर करंट ऐसा है कि मौका मिलते ही जब चुनाव आएगा और देश का कहना क्या चाहते हो? आ रहा भाई साहब आ रहे हैं।
अभी वो आ रहे हैं और हम रास्ते में उनका इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी तो अब आगे पता चलेगा कि क्या होता है पार्टी में। ये है कि हमारे लिए ये है कि जनता का फायदा रहे, जिसकी भी सरकार बने, जो भी रहे सेंटर से, बस ये है कि पब्लिक फायदे में रहे, उसका कोई नुकसान ना हो, उसको कोई हानि। लेकिन राहुल गांधी एक बात और कह रहे कि भैया मोदी जी ने अब तक जितने वादे किए सब झूठे साबित हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ वादे उनके भी सच हुए हैं, कुछ काम कांग्रेस भी करके गई थी, दोनों के अपने अपने प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं। बट ये है कि अब वो जनता डिसाइड करेगी किसको आगे बढ़ाना है किसको नहीं। रोजगार है, रोजगार रोजगार ये है कि हाँ कह सकते हैं कि जितनी ज़रूरत है उतना अभी नहीं है, जितनी अभी जनता को ज़रूरत है, जितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, हर किसी को अभी नौकरी चाहिए। पकौड़े चलाएंगे, पकौड़े नहीं चलाएंगे तो क्या होगा, लोन लेंगे उसको भरेंगे, यही काम करेंगे, सरकार का कर्ज ही रहेगा जनता के ऊपर, और तो कोई काम नहीं है। बच्चों को कैसे पालेंगे कर्ज लेके, धंधा ऐसा होता चलता भी है नहीं चलता है तो क्या होगा। बिल्कुल सही चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा सोना राज करे जिससे टूटे प्राण, हम नहीं चाहती है। मोदी जी हम हाथ जोड़ते हैं, आप अपने घर को चले जाओ, हमारी जो अम्मा है यशोदा बहन उनसे जाओ कि मैं अपने देश के लिए कुछ करे, आ जाओ तो देश मान जाएगा कि यार ये बिल्कुल ठीक है, इनसे काम नहीं हुआ, ये अपने घर में मान रहे हैं उस बेचारे। भाई साहब यहाँ पे चुंगी में इतनी सारी भीड़ भरी हो गई, यहाँ पे ना जाने कितने लोग होंगे, अभी भी लाल दुनिया सारी आगे पीछे से आ रही है, अरे हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं उनका, पता नहीं क्या क्या होगा। यात्रा जा रही है तो दोस्तों देख लो कितने सारे, बहुत बुरी हालत है यहाँ की। Thank you.
लगे हैं यार ये। इतनी बुरी हालत है यार, तुम मजे करो भाई, केले खाओ केले। पंजे पे साइकिल वाले भी आ गए, कुछ ना तो फ्री का जुगाड़। अच्छा